क्या मिथिला दोस्तों, आज हम आपको ईपीएस का ना पूरा का पूरा दो नंबरी जो है वो बता दें, फुल पूरा का पूरा किताब का। देखिए एक से छः तो एक वीडियो में बता दिए थे, हाँ अब जो सात से लेकर जितना भी पूरा है 22 चैप्टर तक उसका हम दो नंबरी बता देंगे। ठीक, दो नंबरी में क्वेश्चन कितना है आपको लास्ट तक बात करें तो 23 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ 22 चैप्टर में आपको कितना है 23, और उससे पहले आपको एक से छः तक हम बता दिए हैं। ठीक, बस उतना का ही करना है दो नंबरी में। और आप देखिएगा कि ईपीएस जो है अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स तीनों का क्या है, मिक्सअप है, तीनों चीज़ इसमें मिला रहता है, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इसलिए मतलब क्या करता है टीचर सब आपको ईपीएस पढ़ाते ही नहीं रहता है। तो आप देख लीजिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा ये तो अकाउंट में पढ़े, अच्छा ये बीएसटी में पढ़े, अच्छा ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़े, ये आपके दिमाग में आएगा। ठीक, दो नंबरी मिला, देख लीजिए सात से लेकर 22 तक में एक एक ही वीडियो में। पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि मेंशन इन थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब क्या परियोजना प्रतिवेदन के कोई तीन उद्देश्य लिखें, तीन कम से कम ऑब्जेक्टिव लिखेगा। ठीक, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है एक प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है, मतलब क्या परियोजना मूल्यांकन होता है एक, और एक परियोजना प्रतिवेदन होता है, दोनों में अंतर है। ठीक, दोनों का उद्देश्य याद करना है, किसका, दोनों के दोनों का उद्देश्य याद करना है। फिर देखिए आपको स्टेट इन टू एलिमेंट्स विच इफेक्ट फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब क्या भौतिक संसाधन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो तत्वों को लिखे, मतलब क्या जो जो फिजिकल रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है उसके दो एलिमेंट को लिखना है। ठीक, फिर देख लीजिए आपको तीन नंबर में क्या है आपको हो गया, चार में देख लीजिए व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी क्या है इसका परिभाषा लिखिए, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि अस्थायी पूंजी क्या है इसका परिभाषा लिखिए, या फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, या फिर ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब क्या अस्थायी पूंजी की विशेषता क्या है ये लिखिए। ठीक, परिभाषा पूछेगा सिर्फ अस्थायी पूंजी का पूछेगा, अगर पूछना होगा तो ऐसे पूछ सकता है अस्थायी पूंजी की विशेषता क्या है वो बताइए, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब क्या दोनों का दोनों परिभाषा याद करना है, इसमें से दोनों के दोनों का परिभाषा याद करना है। ठीक, दोनों के दोनों का परिभाषा याद करना है, जिसमें कार्यशील पूंजी क्या होती है और कार्यशील पूंजी के चक्र क्या है इसका भी परिभाषा याद करना है। ठीक, पांच यहां तक याद करना है, उसके बाद देख लीजिए आपको सिक्स नंबर क्या लिखा है डेफिनेशन, मतलब परिभाषा में आपको क्या लिखा है, एक फंड, देखिए कोष क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट में पढ़े थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कोष प्रभाव विवरण, इसका दोनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक, डेफिनेशन, फिर परिभाषा का आता है नेक्स्ट चैप्टर में, आपको पढ़ना पढ़ना क्या है, एक रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, एक सॉल्व, देखिए अकाउंटिंग रेशियोज दिया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो अपना लोग कहाँ पढ़े हुए थे, अकाउंट में पढ़े हुए थे, रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो मतलब शोधन क्षमता क्या होता है, फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब लाभदायकता अनुपात क्या होता है। ठीक, करेंट रेशियो मतलब चालू अनुपात क्या होती है, इसका चार गो का परिभाषा याद कर लीजिएगा सिर्फ सिर्फ इस चैप्टर में से, सिर्फ सिर्फ चार परिभाषा दो नंबरी में, उसके अलावा आपको जो याद करना पड़ेगा वो पांच नंबरी में और कुछ नहीं, याद भी करना पड़ेगा तो पांच नंबरी में, दो नंबरी में कुछ और। फिर आता है देखिए ये सब ऐसे डेफिनेशन ही पूछता है आपको, बीस गो पूछेगा जिसमें दस गो का जवाब देना है, देखिए बीस गो पूछेगा जिसमें से दस गो का जवाब देना है। तो परिभाषा देख लीजिए आपको, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, मतलब लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है, फिर देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेदन विश्लेषण क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा सीमा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान क्या होता है, इसका परिभाषा चार गो का याद करना है, परिभाषा हम बात करें तो। ठीक, फिर जो नेक्स्ट आता है डिफाइन वेंचर, इसको तो मतलब 100% देखिए इसका दो गो नाम है, उद्यम पूंजी क्या होता है और साहसिक पूंजी, मतलब दोनों के दोनों सेम चीज़ है, उद्यम पूंजी की बात करें और साहसिक पूंजी दोनों के दोनों सेम है, या तो साहसिक पूंजी क्या है ये पूछ सकता है, या उद्यम पूंजी क्या होता है ये पूछ सकता है। ठीक, वेंचर का हिंदी होता है। फिर स्टेट सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल, मतलब क्या हो उद्यम पूंजी के स्रोतों को बताइए, मतलब उद्यम पूंजी जो है वेंचर कैपिटल जो है उसका स्रोत कहाँ कहाँ से आता है। ठीक, व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब परिभाषा याद कर लीजिएगा, मतलब क्या श्रम ग्रहण तकनीक क्या है इसका परिभाषा, और उसका नेक्स्ट चैप्टर में आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा, मोटिवेशन क्या होता है, देखिए बीएसटी में पढ़े हुए, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध बीएसटी में पढ़े हुए हैं, पढ़े ना फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये बीएसटी में पढ़े हुए थे, तो आपको इसका भी परिभाषा याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ईपीएस में 100% पूछता है, बीएसटी का ही है, बीएसटी का ही कुछ भाग आपको पूछता है किसमें,
ईपीएस में। इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन किस चैप्टर में था, पढ़ाई चैप्टर में है। क्या प्रबंध एक पेशा है, अगर है तो क्यों। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब इसका देखिए परिभाषा याद कर लीजिएगा कि गुणवत्ता नियंत्रण क्या है, किस्म नियंत्रण विधि पर चर्चा कीजिए। किस्म नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण का दूसरा नाम क्या है, किस्म नियंत्रण, याद रखिएगा। ठीक, इसे भी बोल सकते हैं किस्म नियंत्रण क्या है, परिभाषा बताइए, तो आप क्वालिटी कंट्रोल का परिभाषा बताइएगा। ठीक, व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब क्या उत्पाद रूपरेखा क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन मतलब क्या है, उत्पाद का रूपरेखा, मतलब डिजाइन मतलब क्या हिंदी होता है उसका रूपरेखा, हिंदी में डिजाइन को बोलते हैं रूपरेखा क्या है। मार्केटिंग मिक्स देख लीजिए, बी एस टी में पढ़े हुए हैं, प्रमोशन क्या होता है बी एस टी में पढ़े हुए, वही चीज़ पूछेगा इसमें से कि मार्केटिंग मिक्स का परिभाषा क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है उसका परिभाषा बताइए। ठीक, विक्रय संवर्धन क्या होता है। स्टेट इन थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या होगा विज्ञापन के तीन उद्देश्य को बताइए, विज्ञापन के तीन उद्देश्य, हम क्यों विज्ञापन करते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो तीन उद्देश्य बताइए। 18 में देख लीजिए, नेम इन टू मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मतलब किन्हीं दो विपणन मध्यस्थों के नाम बताइए। मार्केटिंग करने वक्त जो इंटरमीडिएट आता है मतलब मध्यस्थ रहता है, इस बीच में जो काम आता है, कोई दो का नाम बताइए। स्टेट इन टू एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब विपणन के किन्हीं दो तत्वों को बताए। मार्केटिंग के दो एलिमेंट कम से कम बताइए कि कौन कौन चीज से मार्केटिंग करते हैं। ठीक, दो एलिमेंट कम से कम 20 मार्केटिंग करने वक्त हमको जरूरत पड़ता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस टू बिजनेस, हमको वित्त की व्यवसाय को क्यों आवश्यक है, मतलब क्या हम जो बिजनेस करने लगते हैं तो हमको फाइनेंस मतलब पैसा का क्यों जरूरत पड़ता है, ये इसका इम्पोर्टेंस कितना है वो बताइए। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट परिभाषा भी याद करना है कि आपको ये 20 में सिर्फ और सिर्फ 10 का जवाब देना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ चुके हैं, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर है, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, अवसर लागत कॉस्ट कहाँ पर है, लागत इकोनॉमिक्स में पढ़े, ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, संयुक्त लागत, इसका परिभाषा याद कर लेंगे इकोनॉमिक्स में पढ़े। ठीक, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको याद करने का जो है इकोनॉमिक्स नहीं रखे हैं तो कोई दिक्कत है, लेकिन सिर्फ आप दो क्वेश्चन है 22 का देख लीजिए क्या बोलेंगे। मेंशन इन थ्री फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ, मतलब क्या समृद्धि को प्रभावित करने वाला कोई तीन तत्व बताएं, मतलब ग्रोथ जो है समृद्धि जिसको हिंदी में बोलते हैं को प्रभावित करने वाले की तीन तत्व को बताएं। फिर आपको लास्ट चैप्टर में इसे बस एक डेफिनेशन याद करना पड़ा है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व क्या है हमारा, क्या सामाजिक दायित्व क्या है कि स्वच्छ वातावरण रहे, हम नौकरी दें, यही सब हमारा क्या है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन क्या है, साहसिक अनुशासन क्या होता है, ये तो एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन क्या होता है इसका परिभाषा याद करें, इसका परिभाषा याद करेंगे बस हो गया। ठीक, आपको टोटल आपको देखिए डेफिनेशन में भी कमांड कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, तो कम से कम टोटल आपको 23 के 23 दो नंबर याद करना है, उसके बाद 1 से 6 तक में शायद 12 या 15 दिए हैं, सिर्फ उतना याद कर लीजिएगा बस हो गया दो नंबर, उससे ज़्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं है चैप्टर। ठीक, 5 नंबर में आपको 6 को पूछता है जिसमें तीनों को जवाब देना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हो जाए इंस्टाग्राम पे DM करिए, थैंक यू।